हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल राम राम जाली मदद क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ मस्जिद कूफा स्पिरिचुअल जर्नी कारवाए अली रज़ा अलैहि सलाम बाई सैयद अली रज़ा रिजवी। ठीक है, जिन्होंने मुझे इस वीडियो की रिक्वेस्ट करी है, उन्होंने मुझे बताया कि इस वीडियो के अंदर में अब वो दिखाया गया जब सैयद अली रज़ा रिजवी मस्जिद कूफा गए हुए थे काफ़ी सारे लोगों के साथ, एक तरह से लाइक फुल एक काफिले के साथ, एंड उन्होंने वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया, मस्जिद कूफे के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। तो लेट्स सी, अपन भी इस वीडियो को देखते थोड़ा नॉलेज लेते हैं, उसके बाद जो भी बात करेंगे। सो पहले इस वीडियो को देखते हैं, सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करेंगे रिएक्शन वीडियो को। सो लेट्स गो एंड चेक इट। सामने मस्जिद कूफा और ये हज़रत मुस्लिम अकील का सोने का गुंबद नज़र आ रहा है और जो उसके पीछे गुंबद है हज़रत हानिब बिन उरवा का, और ये जो उल्टे हाथ पे ये बैतु शरफ है बैत अमीरुल मोमिनीन, पीछे दारुल इमारा की बिल्डिंग जो धंस चुकी है ज़मीन के अंदर, ज़मीन बोस हो चुकी है, उसमें से बेइंतहा बदबू आती रहती थी, इसलिए उन्होंने मिट्टी भर के वहाँ पर कार पार्क बना दिया। बहुत अफसोस है, आकाश जुल्म के उस ऐवान को बाकी रखा जाता क्या है ताकि लोग देखते कि अदालत की मट्टी की बनी इमारत खड़ी रहती है और जुल्म की मोटी मोटी दीवारें महलों की डूब जाती हैं, तबाह हो जाती हैं जब वो बैतुल अपने ज़ियाद वहाँ बैठे, और अमीर उल मोमिनीन का कच्चा मकान 1400 साल से बाकी। तो ये अदालत और वो जुल्म, उसे आकाश अभी हम दिखाएँगे, लेकिन लोग उस वक्त देखते कि वहाँ पे लोग खुद, मैंने देखा कि इतनी अजीब और गरीब बदबू आती थी, और अमीर उल मोमिनीन के जब घर में जाएं तो एक खुशबू बताती है कि यहाँ पे अमीर उल मोमिनीन की मंजिल है। रसूल खुदा जब मेराज पे जा रहे थे तो रुके उस मकान पे मसल मजाबी को पड़ी पड़ी, वहाँ आपने दो रकत नमाज पढ़ गया जिब्राइल रुको मैं मस्जिद कूफा में नमाज पढ़ूंगा, तो आसमान वापस आए जहाँ दो रकत नमाज पढ़ी फिर मेराज पे गए। सारे अंबिया ने यहाँ नमाज पढ़ी है, अल्लाह ने आपको तौफीक दी है उस जगह पे आप नमाज और आमाल बजा ला रहे हैं जहाँ सारे अंबिया सारे आइमा हैं। हजरत नूह ने अपनी कश्ती यहीं बनाई थी, ये जो आप लोग पानी पी रहे हैं ना, जहाँ से पानी ले रहे हैं, ये जो वसत में बना ये एरिया है जहाँ पे आपने कश्ती को बनाना शुरू किया था। वफारत तनू जो कुरान में आए थे कि पानी उबलने लगा वो इसी जगह से उबाली, तो ये वो जगह है सारे अंबिया जहाँ पे मौला बैठ के फैसले करते थे, वहाँ आयत लगी हुई थी इन्नल्लाहा यअमुरु बिल अदल वल एहसान, बेशक कि अल्लाह अदल व एहसान का हुक्म देता, वहाँ मौला ने आयत लगाई थी, वहाँ बैठ के फैसले करते थे। जहन में है मौला के जितने फैसले मिलते हैं वो उस मकाम के हैं। उसके पीछे एक मकाम है जहाँ पे एक लड़की थी, नौजवान बच्ची थी, उस पर तोहमत लगी, खानदान वालों ने इल्ज़ाम लगाया, मौला ने मौजज़े से साबित किया कि नहीं वो पाक दामन, वो मौजज़ा उस मकाम पे हुआ था, इसलिए वहाँ पे एक मकाम है। उसके बाद फिर जब रसूल खुदा मेराज पे जा रहे थे तो इस मकाम पे आके रुके, ये मस्जिद का मरकज़ है वसत है, वहाँ रुके दो रकअत नमाज पढ़ी, सारे अंबिया ने इस मस्जिद में नमाज पढ़ी है, सारे आइमा रसूल खुदा ने वहाँ पे जब मेराज पे जा रहे थे यहाँ नमाज पढ़ी। जनाब जिब्राइल का यहाँ पे आना साबित है मुतअद्दिद मर्तबा, मौला ने इसी मस्जिद में कहा था सलूनी सलूनी कबला तफ़क़्क़ुरू, जो पूछना है पूछ लो इससे पहले कि तुम मुझे खोदो। यहाँ जनाब आदम की तौबा कबूल हुई थी, ये मैंने मुख्तसर से बताया, मेहराब जहाँ मौला को ज़रबत लगी थी, इसी के पीछे घर है मौला, इससे पीछे अपने घर से मौला का रास्ता था, दरवाज़ा था अंदर से आते, आपके जहनों में है ना कि मौला ने बेटियों से कहा, बेटों से कहा, सबसे कहा मेरे बच्चों आज आप चले जाए, सब बेटों से कहा कूफे के जो बॉर्डर है ना दीवारें हैं दरवाज़ों पे हिफाजत के लिए, तो इमाम हसन मुश्तबा ने बेटों ने कहा बाबा आज हमारी बारी नहीं है, जानता हूँ लेकिन मैं तन्हा अकेले जाना चाहता हूँ, पता था मौला शहादत चाहते थे, जानते थे मेरे बेटे बातिल को रोकेंगे, यानी आप लोग मुख्तलिफ दरों पर चले जाइए मैं अकेला जाऊँगा।
उसके बाद जब सबको भेज दिया ना रात में हिफाजत के लिए, सुबह उठे पूरी रात बार बार सहन में आते, कहते अय्या तो दुनिया आसमान को देखते क्या गुर्री गैरी, दुनिया या किसी और को धोखा दे तो मुझे धोखा नहीं दे सकती, ये दुनिया मुझे धोखा नहीं दे सकती। बेटियों ने कहा बाबा आज आपका मिजाज बदला बदला सा, खुदा किसी बेटी को परदेश में बाप की मौत की खबर ना दे, शहादत ना दिखाए, मतलब पूरी रात बेटियाँ वहाँ पे देखती रही मौला को, बस दो दिन में बस आपके पढ़ूंगा फिर जाके मौला की मेहराब की ज्यारत कीजिए, फिर नमाज मगरिब से पढ़ के बाहर आई। बेटियाँ देखती रही बाबा आज पूरी रात बार बार रसूल खुदा को याद करते हैं, मदीने को याद करते हैं। जैसे सुबह हुई ना मौला चले अपने घर से, तो आपके जो घर में परिंदे थे ना मुर्गाबियाँ थी, उन सब ने रास्ता रोक लिया, मौला की अबा में चोंचे डालते थे। फौरन जनाबे ज़ैनब रोती हुई का बाबा मैंने कभी भी इस तरह से नहीं देखा परिंदे आपका रास्ता क्यों रोक रहे। मौला ने जुमला कहा इन्ना हुन्ना नवाहि, ये मेरा नोहा पढ़ रही है, मातम कर रही है, इन्हें पता है अब अली चल के नहीं आएंगे, इन सबको पता मुझे ज़रबत लगी कि मैं शहीद हो जाऊँ। एक मरतबा मौला ने जुमला कहा बेटी मेरे बेटे हसन मुश्तबा से कहना इन परिंदों को अगर वक्त पे दाना पानी ना दे सके इन्हें आज़ाद कर दे, मुझे जानवरों का भी भूखा रहना बर्दाश्त नहीं। वो मौला जिनसे परिंदों जानवरों की भूख बर्दाश्त ना हो, उन्होंने करबला में अपनी पोतियों का बेटियों का भूखा रहना कैसे बर्दाश्त किया होगा, क्या इन्हें आज़ाद कर देना, इन्हें भूखा ना रखना कभी भी। आए मौला मेहराब में आए, देखा एक आदमी बाहर सो रहा, उल्टा सो रहा, तलवार छुपा रखी है। मौला ने उसे ठोकर मारी का उठ, वो अपना काम कर, मैं अपने काम से जा रहा हूँ। वो अब्दुलरहमान इब्ने मुल्ज़िम था, छुपा हुआ था, तलवार छुपा रखी थी। मौला मेहराब में गए, इससे आगे क्या पढ़ूंगा, मौला मेहराब में गए भी नाफिला नमाज पढ़ रहे थे, दो रकत नमाज पढ़ रहे थे, मौला ने नाफिला से पहले अजान दी, वो सामने जो गुलदस्ता अजान है ना, खुद मौला गए वहाँ अजान दी। जब उस गुलदस्ता अजान में मौला ने कहा ना अल्लाह अकबर, सारे बेटों ने अजान सुनी, सब रोने लगे बाबा की अजान। एक मरतबा मौला अजान पढ़ा के अजान कह के आए, जब मेहराब में थे ना उस मलऊन ने एक मरतबा तलवार निकाली, हाथ कांपने लगे क्योंकि शेर खुदा का खौफ था, गर्दन काटना चाहता था लेकिन जब तलवार उठाई उसने सर में तलवार मारी। मौला के जब सर में जरबत लगी ना खून बहने लगा, पूरा सर खुल गया। एक मरतबा उठे कहा बिस्मिल्लाह वमिल्लाह वहला मिल्लत रसूलिल्लाह फुस्तो वरब्बिल काबा फुस्तो वरब्बिल काबा। एक मरतबा जुमला कहा, सारे बेटों ने सुना, जनाबे जिब्राइल आसमान से चले, मरसिया पढ़ने लगे, तहत्तमत वल्लाहि अरकानुल हुदा, आज अरकान खुदा के सारे सुतून तबाह हो गए, आज दीन बर्बाद हो गया, अरे अली मुर्तजा मारे गए, आज रसूल खुदा के भाई को जरबत मारी हुई, आज एक मलून ने अली के सर में जरबत चलाई। अल्लाह बस भाई मैंने तमाम कर दिया, दो जुमले कहूंगा दुआ के, हाथों को बुलंद कीजिएगा फिर जाके ज्यारत कर लीजिएगा। आपने बहुत से आमाल किए, सारा दिन आप थक गए होंगे, लेकिन अभी जब आप आए हैं तो आपको किसी ने जरबत तो नहीं मारी है, आपको किसी ने ताजियाना तो नहीं मारा, आपके छोटे छोटे बच्चे साथ हैं, किसी बच्चे को किसी ने तमाचा तो नहीं मारा। अगर यहाँ पे कोई मेरी बहन या मेरी बेटी रोते रोते बेहोश हो जाए और कोई मर्द साथ में हो तो यही पूछेगा अरे क्या बात है, किसी ने पानी भी पिलाया या नहीं, कोई ये तो नहीं पूछेगा तमाचा किसने मारा था। अजरकुम अल्लाह परवरदिगारा वास्ता मौला की बेटियों का, उनकी मजलूमियत का वास्ता, अमीरुल मोमिनीन की अजमतों का वास्ता, परवरदिगारा खुले आसमान के नीचे दुआ कबूल होती है मौला, हमारे ये सारे आमाल इबादत कबूल था, परवरदिगारा हम सबको ये बार बार ज़ियारत नसीब फरमा, इस काफिले में बहुत से बीमार हैं, परवरदिगारा एक जुमला कहूँ, हाथों को बुलंद करके दुआ मांगिएगा, एक जुमला सर, जब मौला को घर ले जा रहे थे ना बेटे, तो मौला चल नहीं पा रहे थे, इतना खून बह गया था, बेटों ने सहारा दिया, उठाया मौला को, एक तरफ इमाम हसन थे इमाम हुसैन, कदमों को जनाब अब्बास और मोहम्मद हनफिया ने उठाया। जब घर लेके गए ना तो मौला ने कहा बेटा हसन मुझे जमीन पे खड़ा कर दो, मैं बेटियों के सामने बेटों के हाथों पे नहीं जाऊंगा, मेरी बेटियां बर्दाश्त नहीं करेंगी, अरे बाबा को भाई उठा के लाए, मैं शेर खुदा मुझे खड़ा कर दो। खड़े हुए, जब आते देखा ना बेटियों ने, मौला अब तक रोए नहीं थे, खुदा की कसम मौला नहीं रोए, जरबत लगी अली नहीं रोए, नहीं रोए,
लेकिन जैसे ही बेटियों को देखा जनाबे ज़ैनब को रोता देखा, पर रिवायत के अल्फाज़ बोला ऊंची आवाज से हाय हाय रोने लगे। जब रो रहे थे एक मर्तबा कहा कि क्या बात है, मेरा बेटियों का रोना बर्दाश्त नहीं होता, मेरे सामने मेरी ज़ैनब रोए, मेरा मेरी बेटियों का रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। हाथों को बुलंद करके जो मांगे कहता होगा, खुला आसमान है, आंखों में आंसू है। एक वास्ता दूं बस, जब घर ले गए ना तो एक मर्तबा एक आदमी ने कहा मौला मैं तबीब को ले आऊं, डॉक्टर बुला लाऊं। मौला ने मना नहीं किया, अली से बड़ा कौन तबीब था, लेकिन कहा आने को। डॉक्टर जब आया ना जानते क्या कहा उस इमाम हसन मुश्तबा से, कहा इतनी जोर से जरबत लगी है सर खुल गया है, उस तलवार में जहर साहब शहादत तो होगी, लेकिन हो सके तो दूध पिलाओ ताकि शहादत में देर हो जाए। बस तबीब का ऐलान करना था दूध पिलाओ, जानते क्या हुआ, सारे कूफे के छोटे छोटे बच्चे हाथों में कूजे लेके मौला के दर पे आए। एक मर्तबा मौला हसन रोने लगे, का बच्चा क्या बात है, का मौला आज हम दूध नहीं पिएंगे, मौला को दूध दे दे, हम यतीम बच्चों को हर रोज मौला दूध पिलाते थे। मौला हसन ने मुश्तबा ने कहा बाबा यतीम बच्चे आए हैं दूध लेके। मौला अमीरुल मोमिनीन ने कहा बेटा हसन मैंने जिंदगी में आज तक कभी यतीमों का हक नहीं खाया, बच्चों से कहो अपना दूध खुद ही पी ले। परवरदिगारा वास्ता खुले आसमान का, अमीरुल मोमिनीन की अजमतों का वास्ता, हमारे आमाल कबूल फरमा, हम सब की आकबत बखैर फरमा। परवरदिगारा नमाज का वक्त है, दुआ की इस्तेजाबत का कबूलियत का वक्त है, जिस जिस के लिए जो दुआ मांगनी है मांगेंगे, इस वक्त दुआ कबूल है। मरीजों को परवरदिगारा मौला की शब सर में जरबत लगने का वास्ता, हमारे तमाम मरीजों को सेहत कामला अजला इलाज, मुझसे बहुत से लोगों ने तमाम से दुआ की है, परवरदिगारा सबकी दुआएं मुस्तजाब फरमा। जो औलादों को औलाद इनायत फरमा, मकरूजों के कर्जे अदा फरमा, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, हज जो ज़ियारत की तमन्ना रखने वालों को हज जो ज़ियारत नसीब फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ज़ियारत कर लें, ये मेहराब और वो मेहराब, अभी ज़ियारत करेंगे जाएंगे। दो जुमले जनाबे मुस्लिम के यही पढ़ूंगा, वहां शोर ज्यादा होगा। जनाबे मुस्लिम ने अपील कूफे के चारों तरफ दीवार थी, जब बीबियां आई ना कूफे में तो लोगों के हाथों में पत्थर थे और लोग पत्थर मार मार के इस्तकबाल कर रहे थे। मैं कहूंगा कोई फूल भी ना मारता अली की बेटियों को, लोगों ने पत्थर मारे। जब पत्थर मार रहे थे ना तो बीबियां बहुत रो रही थी, अचानक एक मर्तबा कूफे की एक जानिब से आवाज आई, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जनाबे ज़ैनब ने एक मर्तबा कहा बेटा सज्जाद किसने गुर्बत में मेरे भाई को सलाम किया, सब पत्थर मार रहे कौन सलाम कर रहा है। एक मर्तबा मौला सज्जाद ने कहा फूफी अम्मा जरा कूफे के दरवाजे पे देखे, जब सर उठा के देखा एक सर लटका हुआ था, सारी बीबियां सर झुका के गुजर गई, एक बीबी रुक गई, नाम रुकैया बताया जाता है, मौला अमीरुल मोमिनीन की बेटी जनाबे रुकैया रुक गई, सर को देखा कहा मुस्लिम जो आप पे गुजरी मुझे पता चल गया, जो मुझ पे बीती है वो आपको पता, मुस्लिम बस मुझे इतना बता दे मेरे दो यतीम बच्चे कहां, सबसे आंसू जारी हुए, सारी बीबियां गुजर गई। एक रिवायत के दो जुमले पढ़ूंगा, मस्जिद है, बड़े सख्त जुमले हैं, मुझे माफ कर दीजिएगा, मेरी माएं बहनें मेरी बेटियां सब के सब मेरे जुमले सुनेंगे। 9 ज़िलहिज को जब जनाबे मुस्लिम को शहीद किया जा रहा था ना, अगर देख सके मीटर देखिएगा, इसी मस्जिद के पीछे दारुल इमारा की छत पे जनाबे मुस्लिम को बांध के लेके गए थे, धोखा दे के बांध के लेके गए। जब बांध के लेके गए ना तुम्हें तो देखिएगा, दोनों हाथ उस पे बांधे हुए थे, घुटने उनके जमीन पे थे, जल्लाद ने कहा कि सर झुकाइए मैं आपका सर कलम करूंगा। वहां मक्के से मौला हुसैन चल पड़े थे, जब तड़पने लगे ना मौला अब्बास ने कहा मौला क्या बात है, कहा अब्बास मैं दो उंगलियों में दिखाता हूँ आप देख लीजिए। एक मरतबा मौला अब्बास ने देखा कहा मौला कोई बड़ा ही मजलूम आदमी है,
हाथ बंधे हुए हैं, सर झुका हुआ है, जल्लाद सर कलम करने वाला। मौला हुसैन ने कहा जरा गौर से देखो अब्बास। एक मरतबा जनाब अब्बास ने जब गौर से देखा ना, देखा जनाब मुस्लिम है, कहा मौला जिस एजाज से आपने दिखाया मुझे कूफे पहुंचा दे, मेरा भाई तन्हा है। सारा कूफा मुसलमानों से भरा था लेकिन मुस्लिम तन्हा था। एक मरतबा का मौला मुझे पहुंचा दे, मैं अपने भाई का दिफा करूंगा। हाथ जोड़ के जुमला पेश करूं, मौला हुसैन ने कहा अब्बास ने मेरे भाई की शहादत है। जब देखने लगे ना गौर से देखा, कहा मौला मुस्लिम किसी दारुल इमारा की छत पे है, अगर देख सके तो देखेगा, नहीं तो आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिएगा। क्या देखा? उलमा कहते हैं कि देखा मौला अब्बास ने दारुल इमारा की जहां पे छत जमीन पे सर गिर रहा है ना, वहां पे कोई बीबी बुरका फैलाए बैठी है। शायद लोग सोचें कि जनाबे मुस्लिम की माँ होगी। उलमा कहते हैं मौला हुसैन ने कहा अब्बास ये मेरी माँ है। एक मरतबा जल्लाद ने सर कलम किया, जनाब मुस्लिम का सर गिरा किसी बीबी ने बुरके में लिया। मैं कहूंगा बीबियां बड़ी मजलूमा है, आज एक सर उठाया, अभी न जाने कितने सर कलम होंगे। ये था मस्जिद कूफा का स्पिरिचुअल जर्नी, जिन्होंने लास्ट में हजरत मुस्लिम के बारे में बताया। उनके बारे में मुझे भी अभी हाल ही में चला है पता, ठीक है। तो आई थिंक मेरे ख्याल से इमाम हुसैन अली इस्लाम के कज़न भाई थे, मुझे किसी मेरे फ्रेंड ने बताया, आई थिंक वो इमाम हुसैन अली इस्लाम के कज़न भाई थे। एंड कूफे से आई थिंक एक तरह से एक ऑफ़र आया था कि हम आपके सामने झुक चुके हैं, लाइक हम बैत करना चाहते हैं आपके सामने। कूफे से ऑफ़र आया था इमाम हुसैन अली इस्लाम के लिए, तो इमाम हुसैन अली इस्लाम को लाइक कहीं ना कहीं लगा कि एक तरह से ये चाल भी हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने भाई को, अपने कज़न भाई को, हज़रत मुस्लिम को उन्होंने कूफे में भेजा। एंड वो खुद करबला के लिए निकल गए अपने काफिले के साथ। एंड देन उसके बाद फिर वही हाल हुआ, हज़रत मुस्लिम का उनका गला काट दिया गया, हाथ पैर बांध के उनको छत से फेंक दिया गया, दरवाज़ा मतलब वो जो गला था ना उनका काट के दरवाजे पे लटका दिया गया। लिटरली उनके साथ भी बहुत बुरा हुआ। मुझे अभी हाल ही में चला है पता, मुझे बिल्कुल पता नहीं था इनके बारे में या हज़रत मुस्लिम के बारे में। उनके दो बेटे भी थे मेरे ख्याल से, उनका भी कत्ल कर दिया गया कूफे में, मैंने सुना है। खैर, ये था मस्जिद कूफा का एक स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई। एक तरह से हज़रत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम जब वो मेराज पे जाने वाले थे, तो उन्होंने उससे पहले वहाँ पे आके दो वक्त का नमाज भी पढ़ा था। उन्होंने लाइक जिब्रील अलैहिस्सलाम को रुकने के लिए कह दिया कि आप रुक जाइए, मैं पहले यहाँ पे नमाज पढ़ूँगा, उसके बाद अपन मेराज पे जाएंगे एक तरह से। एंड वहाँ पे पानी भी दिखाया गया जहाँ पे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जिन्होंने कश्ती बनाई थी, जो जिस पानी में, वो भी पानी दिखाया गया। एंड मौला अली अलैहिस्सलाम को जब ज़रबत लगी थी 19 रमज़ान को, उससे पहले का एक मंज़र एक्सप्लेन करा सर ने, जहाँ पे एक तरह से वो सुबह की फजर के बाद जो नमाज़ होता है वहाँ पे वो पढ़ने जाने वाले थे, उससे पहले का एक लाइक बहुत ज़्यादा दर्दनाक मोमेंट था वहाँ पे। लिटरली वहाँ पे उनकी बेटियाँ उन्हें रोक रही थी, उनके बेटे उन्हें रोक रहे थे, बिकॉज उन्हें चल गया था पता कि आज बाबा को ज़रबत लगने वाली है, दैट्स वाई उन्हें रोक रहे थे। जो वहाँ पे लाइक जो परिंदे थे ना, जो कल की वीडियो में देखा अपने डक वगैरह दिख रहे थे, वो उनको रोक रहे थे कि आप ना जाइए, उनके बाद कौन उन्हें दाना पानी देगा, कौन उन्हें खिलाएगा, वहाँ के बच्चों को कौन खिलाएगा। एंड मौला अली अलैहिस्सलाम को जब ज़रबत लग गई ना, तो उस वक्त वो नहीं रोए, उन्होंने जब अपनी बेटियों का चेहरा देखा तो वो सोचने लग गए कि लिटरली जो हमारी लाइक बेटियाँ जिस हिसाब से लाइक उनका हाल होगा आगे, जो मतलब मेरी जो पोती होंगी उनका जो हाल होगा लिटरली करबला में, वो सोच सोच के उनको रोना आ गया वहाँ पे। लिटरली उनको चोट लगी थी, उनको ज़रबत लगा था, ये सोच के बिल्कुल नहीं रहे, उनका सर खुल गया था वो इसलिए बिल्कुल नहीं रहे, वो तकलीफ में थे लेकिन वो किसको बता नहीं रहे थे लिटरली। ठीक है, ये था फुल स्पिरिचुअल जर्नी, जहाँ पे लाइक बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे काफिला वहाँ पे लाइक इनके साथ गई थी। कारवाए अली रज़ा अलैहिस्सलाम, दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप तुमको मेरा वीडियो पसंद आएगा, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बहुत जल्दी मिलते हैं किसी न्यू रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट।